परम आराध्य गुरुदेव की चरण वंदना, जिज्ञासु बंधु और बहनों, पिछले डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण में सम्यक ज्ञान क्या, क्यों और उसकी आराधना में होने वाले अतिचार के दोषों के बारे में सुना और आज हम सम्यक दर्शन के बारे में सुनेंगे। जैसे सम्यक ज्ञान अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, वैसे ही सम्यक दर्शन नेक्स्ट सीढ़ी है, या यो कहें ज्ञान का ही नेक्स्ट स्टेप सम्यक दर्शन है। उसी को हम उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने सबसे पहली बार ज्ञान किया और जाना कि बंदर चंचल प्रकृति का होता है। इसी ज्ञान का जब निश्चय हो जाता है, इसी ज्ञान की धारणा हो जाती है, फिर 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी आपको बंदर के बारे में पूछे तो आप यही बताएंगे बंदर चंचल प्रकृति का होता है। इस निश्चय युक्त धारणा का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान का जो निश्चय होता है वह किसी के कहने से या किसी भी काल में बदलता नहीं है। आपको इस बात पर 100% भरोसा होता है बंदर चंचल प्रकृति का ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। ये निश्चयात्मक मनस्थिति का नाम सम्यक दर्शन है। आगम हमारे सम्यक ज्ञान प्राप्ति के बड़े माध्यम है। आगम का ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वह वितराग जिनेश्वर की वाणी है। जिन वाणी सम्यक ज्ञान इसलिए है क्योंकि वह दोष रहित है। दोष रहित यथार्थ जिन वाणी का गुरु उपदेश देते हैं, इसीलिए हर धार्मिक व्यक्ति को सम्यक ज्ञान के प्रवक्ता जिनेश्वर भगवान के प्रति और उसी का वर्तमान में उपदेश देने वाले शुद्ध महाव्रत धारी गुरु के प्रति और जिन वाणी जिसे हम धर्म कहते हैं उसके प्रति मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे 2+2=4 में कोई डाउट नहीं होता, बंदर चंचल होता है इस बात में डाउट नहीं होता, इसी प्रकार सद धर्म सद्देव सदगुरु के प्रति डाउट नहीं बल्कि उनके प्रति अटूट श्रद्धा आस्था होनी चाहिए, उसी का नाम सम्यक्त्व है। आज आप जानेंगे कि आपकी आस्था कितनी मजबूत है, कितनी अटल है। आस्था को कमजोर करने वाले कौन से तत्व है, आस्था को मजबूत करने वाले कौन से तत्व है और अटल आस्था के लक्षण क्या है, इन सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे दर्शन सम्यक्त्व। अरहंतो महदेवो जावत् जीवं सुसागुणो गुरुणो जिन पन्नत्तं तत्तं ये सम्मत्तं वै गहियं। देव मेरे दिव्य अरहं श्रेष्ठ सारी लोक में साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है। यहाँ आप दर्शन शब्द को देख रहे हो। दर्शन के तीन अर्थ होते हैं, एक दर्शन यानी देखना, दूसरा जब हम आठ कर्म की बात करते हैं वहां ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, वहां दर्शन का अर्थ है सामान्य ज्ञान। जब हम तीन रत्न की बात करते हैं वहां अर्थ अलग है।
दर्शन का अर्थ सम्यक आस्था या श्रद्धा। अब हम विचार करते हैं कि आस्था किसके प्रति होती है। आस्था हमेशा सत्य के प्रति होती है, जहां कोई भ्रम नहीं। इसीलिए जैन दर्शन में सत्य के प्रति आस्थावान बनने की बार बार प्रेरणा दी गई है। आस्था की शुरुआत हम कहां से करें? शुरुआत हमेशा रूट से होती है। जैसे वृक्ष की शुरुआत रूट से होती है, उसी प्रकार आस्था के मूल तीन तत्व हैं, जिसको हम रूट कह सकते हैं। वो है देव, गुरु और धर्म। पहला तत्व है देव। हमारे देव कौन हैं? जो देवों के भी देव हैं, इंद्र के भी इंद्र हैं, वो हमारे तीर्थंकर, उन्हें हम देवाधिदेव और महादेव भी कहते हैं। वो ही हमारे इष्ट है, आराध्य है, आदर्श है। अरंतो महादेवो, यानी अरिहंत हमारे देव है, इष्ट है, आराध्य है। देव वही होते हैं जो समस्त दोषों से रहित हैं, वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं। यह है पहला तत्व। दूसरा तत्व है गुरु। कहा गया जावत जीवम सुसहनो गुरुणो। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। लौकिक गुरु, जो हमें ज्ञान देते हैं, सर्व प्रकार का लौकिक ज्ञान देते हैं। और दूसरे होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, जीवन की सत्यता का ज्ञान देते हैं। गुरु गृहस्थ भी होते हैं, गृह त्यागी भी होते हैं। यह प्रतिक्रमण में जो गुरु तत्व के बारे में बताया गया, वह गुरु लौकिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु है। गृहस्थ गुरु नहीं, गृह त्यागी गुरु है। वो आध्यात्मिक गुरु अरिहंत देव के पथ पर चलने वाले उनके प्रतिनिधि ही होते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु वर्तमान में तीर्थंकर के रूप में होते हैं। उनके प्रति हमारी अटूट आस्था हो, इसीलिए जीवन में गुरु का चयन बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। कहा गया जावत जीवम सुसहनो गुरुणो। दूसरा तत्व है गुरु के प्रति आस्था। जिन्होंने यावत जीवन के लिए पांच महाव्रतों को धारण किया है, ऐसे सिद्ध साधु मेरे गुरु हैं। तीसरा तत्व है धर्म। यह तत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ धर्म है। यह धर्म की जगह तत्व शब्द का यूज किया गया है। यह तत्व का अर्थ धर्म है। ऐसा वास्तविक धर्म तत्व कौन सा है, जिस पर हमारी अटूट आस्था हो, जिनकी हम आराधना करें? तो यहाँ कहा गया जिन पन्नतम तत्तम, जिनेश्वर भगवान के द्वारा जो कुछ कहा गया वो सारा धर्म है, और उस पर हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जिनेश्वर भगवान ने आत्म शुद्धि का जो मार्ग बताया या तत्व बताया, वास्तव में वो ही धर्म है। राग द्वेष मुक्त हर क्रिया का नाम धर्म है। इस प्रकार देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्थावान बन करके सम्यक्त्व को ग्रहण किया जाता है। इसको व्यवहारिक सम्यक्त्व कहा गया है। देव मेरे दिव्य, देव के बारे में बताया गया है, देव मेरे दिव्य है। देव, गुरु और धर्म तीनों के बारे में इस पद्य में बताया गया है। देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, अर्थात इस लोक में जो श्रेष्ठ है गुणों से, स्वभाव से, आत्म विकास की दृष्टि से, ऐसे दिव्य अरहत भगवान मेरे देव है, अर्थात इष्ट है। साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में, साधना ही जिनका धन है, ऐसे पथ दर्शन करने वाले शुद्ध साधु ही मेरे गुरु है, सदगुरु है। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है,
जो केवली ज्ञानी के द्वारा अर्थात जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताया गया जो साधना का पथ है वही धर्म है। आत्मनिष्ठामय अमल सम्यक तो मुझको इष्ट है। ऐसा आत्मनिष्ठा वाला निर्मल सम्यक्त्व मुझको अभिष्ट है, अर्थात मैं उसकी इच्छा करता हूँ। दर्शन सम्यक्त्व, इसी श्लोक को यहाँ इंग्लिश में बताया गया है। अब नेक्स्ट है सम्यक्त्व के लक्षण, तो हम इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। सम्यक्त्व के लक्षण, शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मुक्त होने के हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में करुणा विमल अटल आस्था, ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल। जिस सम्यक्त्व के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, यह आप जानेंगे उनके लक्षण क्या हैं और अपने आप को चेक करते जाएंगे इस सम्यक्त्व के लक्षण मेरे में है या नहीं। अगर है तो कितने हैं, सारे लक्षण मेरे में पाए जाते हैं या नहीं। सम्यक्त्व का पहला लक्षण है सम, यहाँ बताया जा रहा है शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है। सम का मतलब है आवेग और आवेश का समन। दूसरे शब्दों में क्रोध मान माया लोभ इन चार कषायों का अल्पीकरण उपशमन, इसका नाम है सम। जिस व्यक्ति के आवेग अर्थात नेगेटिविटी इमोशन जितने उपशांत होते हैं, जितने कम होते हैं, उतने ही व्यक्ति के भीतर शांति व्याप्त होती है। सम्यक्त्व का पहला लक्षण है कि मेंटल पीस को मेंटेन करना। इसीलिए कहा गया जिसके मन में शांति व्याप्त है उसके सारे आवेग शांत हैं। सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण है मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। सम्यक्त्व का दूसरा लक्षण है संवेग अर्थात कर्म से मुक्त होने की, कर्म के हेतुभूत सब प्रकार की पापकारी प्रवृत्तियों से उपरत होने की और आत्मा को सब कर्मों से मुक्त करने की भरपूर प्रेरणा अंतकरण में होना, यह है संवेग। सम्यक्त्व का तीसरा लक्षण है निर्वेद। निर्वेद का मतलब वृत्ति में वैराग्य अर्थात संसार के प्रति, संसार की सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण नहीं बल्कि उदासीनता होती है। भोग वृत्ति नहीं त्याग वृत्ति होती है, इसी का नाम है निर्वेद, यानी संसार में आकर्षण नहीं संसार से वैराग्य। संसार के जितने प्रलोभन हैं, संबंध हैं, उनमें लिप्त नहीं होना, संसार का हर काम कर्तव्य भावना के साथ करना, इसका नाम है निर्वेद। ने सम्यक्त का चौथा लक्षण है अंतर भाव में करुणा विमल अर्थात भावना में निर्मल करुणा का विकास हो, सब जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव हो, संवेदनशीलता हो, हम स्वयं किसी जीव को दुखी ना करें, किसी जीव को दुखी ना देख सके, यदि कोई दुखी है तो उनके दुखों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करें, इसी का नाम है करुणा। जो सम्यक्ति होता है उसका अंतःकरण दया से भीगा रहता है, हृदय कठोर नहीं कोमल होता है। सम्यक्त्व का पांचवा लक्षण है अटल आस्था अर्थात आस्तिक्य। आस्तिक्यता का मतलब अस्तित्व में विश्वास करना, किसी के अस्तित्व में विश्वास करना, जो अस्तित्व परिवर्तनशील है उसके प्रति नहीं,
बदलता है उसके प्रति नहीं, बल्कि जो नित्य है, शाश्वत है, उस ध्रुव तत्व के प्रति आस्थावान होना, उनमें एक है आत्म तत्व, यानी आत्मा के अस्तित्व में उसके प्रति आस्थावान होना, इसी का नाम है आस्तिक्य। सामान्यतः मनुष्य बहुत बातों पर भरोसा करता है, लेकिन आत्मा की बात आती है तो वो डाउटफुल हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि क्या वास्तव में आत्मा शाश्वत है। वह तो वर्तमान जीवन को ही सब कुछ मानता है, लेकिन जीवन के समाप्त होने पर आत्मा तत्व समाप्त नहीं होता। इस प्रकार आपने सम्यक्त्व के 5 लक्षण जाने। इन लक्षणों को समझकर अपने आप को तोले, जो लक्षण आपका कमजोर है उसे आप मजबूत बना सकते हो। इसी पद्य को यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है। नेक्स्ट है, इसका हम उच्चारण करेंगे। सम्यक्त्व के भूषण, लक्ष्य में स्थिरता निरंतर, भक्ति भावित भावना, धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संघ सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल। आप सब जानते हैं आभूषण ऑर्नामेंट्स की क्या कीमत है और इसका क्या इनपुट है। आभूषण का मूल्य अन्य सारी वस्तु की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही होता है। वो सबके पास नहीं होते, हर कोई उसे खरीद नहीं सकता। खरीदने के बाद उसे शरीर पर धारण किया जाता है। आपका शरीर 25% सुंदर है, आभूषण पहनने के बाद 50% सुंदर हो जाता है, अर्थात सौंदर्य में और निखार आ जाता है। आभूषण को घर में खुले स्थान पर नहीं रखते, उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। यानी आभूषण को खरीदना, उसे रखना, धारण करना, सब में विशेष केयर की जरूरत होती है। इसी प्रकार सम्यक्त्व के 5 भूषण बताए गए हैं। उन भूषणों को सबसे पहले जीवन में उपलब्ध करना उतना आसान नहीं, उपलब्धि के बाद उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा कठिन है, और उसे धारण करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। सम्यक्त्व का पहला भूषण है स्थिरीकरण। पहली पंक्ति में कहा गया लक्ष्य में स्थिरता निरंतर, अर्थात श्रावक को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी लाइफ वैल्यूज के प्रति, आत्मा के प्रति स्थिरमती वाला होना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक गया हो, मन डिग गया हो, उसे प्रेम भाव से स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। यह है स्थिरीकरण। सम्यक्त्व का दूसरा भूषण है भक्ति। पहली पंक्ति का दूसरा चरण है भक्ति भावित भावना। आपका अंतःकरण सदा भक्ति अर्थात बहुमान, सम्मान, अहोभाव से भावित होना चाहिए। भक्ति किसकी करे? पहली बात, साधु संतों की भक्ति करो, उसकी उपासना करना, सुपात्र दान में उत्साहित रहना, बड़े अहोभाव से उन्हें वंदना करना, यह साधु संतों की भक्ति है। दूसरी बात, साधार्मिक बंधु की भक्ति, उनका उचित आदर सत्कार करना। यदि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, कमजोर है, उन्हें आप सहयोग करना चाहते हैं, तो बड़े अहोभाव के साथ, अपनत्व के साथ ससम्मान सहयोग करें, जिससे उन्हें लज्जा का अनुभव न हो, अहसास जताकर सहयोग नहीं करें।
तीसरी बात, मानव मात्र की भक्ति करे, अर्थात हर मनुष्य का बहुमान करे, यथा योग्य वस्तु भोजन या आवश्यक सामग्री ऑफर कर उसका बहुमान करे। तीसरा भूषण है प्रभावना। दूसरी पंक्ति में बताया गया, धर्म शासन की करु निस्वार्थ सतत प्रभावना, अर्थात जैन शासन को अन्य लोग भी जाने, उसकी वैल्यू सही रूप में उसे समझ में आए, ऐसा प्रयास करना, जिन शासन का मान सम्मान और अधिक बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना, ऐसे क्रियाकलाप प्रोग्राम करना जिससे जैन शासन को लोग आदर की दृष्टि से देखे, जैन शासन की गहराई साधारण जनता को साधारण तरीके से समझाना, यह सब प्रवृत्तियां प्रभावना के अंतर्गत आती है। सम्यक्त्व का चौथा भूषण है कौशल। उसके लिए तीसरी पंक्ति में बताया गया, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, अर्थात जैन कॉन्सेप्ट जैन सिद्धांत और उनकी स्टडी ये पूरा गहरा विषय है, उसे समझने की तड़प जिसके मन में होती है वही व्यक्ति जिज्ञासु वृत्ति से ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करता है। विद्वान साधु साध्वी श्रावक का योग मिलने पर उस मौके का पूरा लाभ उठाता है, जैन तत्व ज्ञान में कुशलता प्राप्त करता है, वह श्रावक या श्राविका अपनी नई पीढ़ी को भी सही गाइड करते हैं, ऐसा करने से सम्यक सुशोभित होता है, जीवन का सौंदर्य दिन प्रतिदिन निखरता जाता है। सम्यक्त का पांचवा भूषण है तीर्थ सेवा। चौथी पंक्ति में कहा गया, संग सेवा, संग अर्थात साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों के समुदाय को संग कहा गया, उसकी सेवा अर्थात इन चारों की केयरिंग करना, साधु साध्वी की संयम यात्रा ध्यान यात्रा स्वाध्याय यात्रा में बाधा उपस्थित होने पर उनकी दोष रहित सेवा करना, श्रावक और श्राविका की गृहस्थ यात्रा के साथ अध्यात्म की यात्रा जनरेशन टू जनरेशन कैसे आगे बढ़े, उन सबके लिए सुविधा जुटाना, माहौल बनाना, कम्युनिटी वर्क करना, ग्रुप में धर्म क्रिया करना और उनके लिए प्रोत्साहित करना, ये सब करने वाला व्यक्ति महान निर्जरा करता है। इसी श्लोक को इंग्लिश में यहां बताया गया है। अब है नेक्स्ट दर्शन के अतिचार, तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे दर्शन के अतिचार। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया। सम्यक्त्व के संबंधित पांच दोष जिसे अतिचार और सम्यक्त्व के दूषण भी कहते हैं। पहला अतिचार है शंका। इसको यहाँ पहली पंक्ति में बताया गया, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, अर्थात अपना मेन गोल पाने के लिए हम स्पिरिचुअल प्रवृत्ति करते हैं, उसी को लेकर मन में हल्का सा भी डाउट पैदा होता है तो श्रद्धा डोल उठती है, जैसे समुद्र में तूफान आने पर नौका डोलती है और डूबने लगती है, उसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में हल्की सी भी शंका डाउट आत्मा को डुबो देता है, इसीलिए धर्म क्रिया में संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक्त्व का दूसरा अतिचार है कांक्षा, यानी पर्वत
पर मत की वांछा, इच्छा करना। उसके लिए दूसरी पंक्ति में कहा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। जो हमारा मार्ग नहीं है, गोल नहीं है, उस दिशा में इंटरेस्ट लेना, यानी अन्य कॉन्सेप्ट को पसंद करना, स्वयं का सही मार्ग छोड़कर अन्य मार्ग अपनाने के लिए तैयार हो जाना। जैसे जैन धर्म में मन का संयम, इंद्रियों का संयम करने से जीवन संतुलित और सुखी होता है, ऐसा कहते हैं। अहिंसात्मक प्रवृत्ति से बचने का उपदेश देते हैं। जब ये बात उन्हें समझ में नहीं आती और दूसरी जगह खाना पीना नाचना गाना ये सब चलता है, वह भी धर्म के नाम पर, तो सहसा व्यक्ति का मन वहां जाने के लिए प्रेरित हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में न सोचकर सिर्फ अच्छा लगता है, इसीलिए वहां जाता है, जुड़ता है। इससे सम्यक्त्व खतरे में आ जाता है और बचने की भी आशा नहीं रहती। अतः हर भाई बहन को बाहरी आकर्षण में न उलझकर सही पथ को अपनाना चाहिए। सम्यक्त्व का तीसरा अतिचार भी चिकित्सा, अर्थात धर्म के फल में संदेह करना। तीसरी पंक्ति में बताया गया, धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, अर्थात जो भी धर्म क्रिया करते हैं, जैसे समता के अभ्यास के लिए सामायिक, वाणी संयम के लिए मौन, शरीर संयम के लिए छोटे मोटे तप, आत्मशुद्धि के लिए ध्यान, स्वाध्याय आदि करता है, उन सबका तुरंत फल जब नजर आता है तो व्यक्ति जब उसको लगता है कि तुरंत फल नहीं मिलता है तो व्यक्ति को डाउट लगता है और सोचता है ये सब कुछ मैं कर तो रहा हूं लेकिन उससे मुझे कुछ फायदा होगा या नहीं। वह सोचता है धर्म करने से मेरा बिजनेस अच्छा चले, अटके हुए काम हो जाए, यदि वो नहीं होते हैं तो धर्म क्रिया में संदेह करने लगता है। हालांकि धर्म का फल आत्म शांति और आत्म शुद्धि के लिए करना चाहिए, लेकिन कोमल जनता लौकिक लाभ पाने के लिए धर्म करती है जिसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए धर्म आत्म शांति के लिए करना चाहिए और उसके फल में संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक्त्व का चौथा अतिचार है परपाशन प्रशंसा। इसके लिए चौथी पंक्ति में कहा गया, लक्ष्य प्रतिगामी की प्रशंसा, अर्थात भिन्न विचार वाले, हमारे से भिन्न मन वाले लोगों की प्रशंसा, उनके मत की प्रशंसा करना। जैसे जैन मुनि प्रतिदिन वस्त्र नहीं धोते, उन्हें देखकर घृणा करना, और जो टिप टॉप रहते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारे धर्म में एक साथ अनेक अनेक द्रव्यों का सेवन एक साथ न करने की प्रेरणा देते हैं, उसे अच्छा नहीं मानना। और दूसरे स्थान में मल्टी चॉइस, हजारों आइटम्स को देख उन्हें अप्रिशिएट करना कि यहाँ अच्छा है, बस मौज है यहाँ। जब हम अपने सही मार्ग को उपेक्षित कर भोग युक्त मार्ग में रुचि लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तब सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहता। सम्यक्त्व का पांचवा अतिचार है लक्ष्य प्रतिगामी का परिचय, अर्थात भिन्न मतावलंबी लोगों के साथ दोस्ती करना, उसके साथ उठना बैठना। हमारा कॉन्सेप्ट अहिंसा संयम पर आधारित है। अन्य धर्म में हिंसा और भोग का वातावरण है। जब ऐसे लोगों के संपर्क में लंबे समय तक रहेंगे तो उनका प्रभाव आप पर आना स्वाभाविक है। इसीलिए कहा गया, लक्ष्य विपरीत लोगों की संगत में सम्यक्त्व कमजोर हो जाता है। इसीलिए
जो अतिचार है, उस अतिचारों से विशेष बचने की कोशिश करे। इसी श्लोक को यहां पर इंग्लिश में बताया गया है, जो ऊपर जो श्लोक था जो उसके अतिचार, उसको पॉइंट वाइज हिंदी में और इंग्लिश में यहां पर बताए गए हैं। तो पहले हमने ज्ञान की चर्चा की थी, सम्यक ज्ञान की। आज हमने चर्चा की सम्यक दर्शन के बारे में, और आगे हम चारित्र के बारे में चर्चा करने का भाव रखते हैं। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।